बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब कैरियर से होंगे। और आज हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकंड ईयर की केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 7 का, और टॉपिक का नेम है फंक्शनल ग्रुप्स। क्या हमने आज स्टडी करना है? आज हमने स्टडी करना है फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में। आप लोगों ने मैट्रिक में 10th क्लास में भी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक चैप्टर था, आई थिंक 3rd चैप्टर था, उसमें भी आप लोगों ने फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में स्टडी किया था कि फंक्शनल ग्रुप्स होते क्या है, और आपने डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स को स्टडी किया था। इसमें भी हम लोग उन सभी फंक्शनल ग्रुप्स को भी स्टडी करेंगे और कुछ एडिशनल फंक्शनल ग्रुप्स भी हम स्टडी करेंगे। तो फंक्शनल ग्रुप में सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि फंक्शनल ग्रुप होता क्या है, यानी सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशन ऑफ अ फंक्शनल ग्रुप, कि फंक्शनल ग्रुप है क्या। एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम और अ डबल और अ ट्रिपल बॉन्ड हुज प्रेजेंस इम्पार्ट स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज टू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज कॉल्ड एज ए फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप एटम या एटमों का मजमुआ होता है, कोई डबल बॉन्ड हो सकता है या ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, जिसकी मौजूदगी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की खसूसियात का तोयन करती है, उसे हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप इज एन एटम, आई थिंक आपको ब्लैक से ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो क्या है फंक्शनल ग्रुप? फंक्शनल ग्रुप इज एन एटम, कोई एटम हो सकता है, और अ ग्रुप ऑफ एटम, एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम्स, और अ डबल और अ ट्रिपल बॉन्ड। एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम्स और अ डबल और अ ट्रिपल बॉन्ड हूज प्रेजेंस, ध्यान से समझने हैं आपने, हूज प्रेजेंस इम्पार्ट्स स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज टू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। फंक्शनल ग्रुप क्या है? फंक्शनल ग्रुप एटम या एटमों का मजमुआ है, जिसकी मौजूदगी, या फिर कोई डबल बॉन्ड हो सकता है और ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, जिसकी मौजूदगी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की खसूसियात का तोयन करती है। तकरीबन 6 मिलियन या बिलियन तक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मौजूद हैं, और उन तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए हम अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स यूज नहीं करते हैं। जैसा कि आपने 10th क्लास में पढ़ा था कि अगर हमने अल्केन्स की बात करनी हो तो अल्केन्स का जनरल फॉर्मूला या अल्केन्स का जो फंक्शनल ग्रुप है उसका फॉर्मूला क्या होता है अल्केन्स का? अल्केन्स का होता है कार्बन, और इसकी चारों वैलेंसी जो है वो सेटिस्फाइड होती हैं दूसरे कार्बन या फिर हाइड्रोजन एटम्स के साथ, ऐसे ही है। तो अब ये जो है, जहां पे भी हम देखेंगे कि कार्बन जो है वो सिंगली बॉन्डेड है और चार एटम्स के साथ जुड़ा हुआ है, तो हम इसे कहेंगे कि ये हमारे पास है अल्केन। ये हमारे पास कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है? अल्केन है। तो अल्केन फैमिली में जितने भी मेंबर्स आएंगे, 100 आए 200 आए 300 आए, जितने भी मेंबर्स आएंगे, उन तमाम का जो फंक्शनल ग्रुप होगा उसका फॉर्मूला यही होगा कि कार्बन जो है वो चार सिंगल बॉन्ड्स बनाएगा दूसरे एटम्स के साथ, ठीक है। इसी तरह अगर हम लोग बात करें अल्केन्स की, तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, तो इसमें हम कहेंगे कि ये फंक्शनल ग्रुप का फॉर्मूला है, और ये फंक्शनल ग्रुप का नेम क्या होगा? अल्केन्स होगा। या फिर फंक्शनल ग्रुप का नेम क्या है, इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? इसमें है डबल बॉन्ड, ठीक है। और इस फैमिली का ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो क्लास का नेम है, तो क्लास का नेम क्या होगा कि ये अल्कीन्स हैं। आगे समझ। तो इसी तरह हम और भी बहुत सारे एग्जांपल्स देखेंगे जिसे आपको समझ आ जाएगी। आपने फिलहाल जहन में क्या रखना है कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप एटम्स या एटम्स का मजमुआ हो सकता है, यानी एक एटम हो सकता है या एक से ज्यादा एटम हो सकते हैं, या फिर कोई डबल बॉन्ड हो सकता है या ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, कि जो अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में मौजूद हो तो उनकी वजह से स्पेशल प्रॉपर्टीज जो है वो हम असाइन करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, ठीक है। तो अब हम फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में स्टडी करते हैं, और कुछ एग्जांपल्स हैं उनको हम स्टडी करते हैं। शॉर्ट सा टॉपिक है आपका। जी, तो अब हम क्या डिस्कस करेंगे? हम फंक्शनल ग्रुप्स को डिस्कस करेंगे। फंक्शनल ग्रुप्स में हम क्या डिस्कस करेंगे? हम डिस्कस करेंगे कि फंक्शनल ग्रुप्स के फॉर्मूलाज कौन कौन से हैं,
और फिर उनका नाम हम क्या देंगे उन्हें, और जो क्लास होगी पूरी एक फैमिली होगी उस फैमिली का हम क्या नेम देंगे, और फिर हम उनकी साथ साथ एक ही एग्जाम्पल करते जाएंगे। ठीक है, अब जैसा कि पहले बात हुई है जो अल्केन्स है, अल्केन्स में तमाम के तमाम सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, तो हम इसको सिंगल बॉन्ड का नाम भी दे सकते हैं या फिर कहते हैं कि इसका कोई नाम नहीं है, या हम कह सकते हैं सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड कह लिया, कुछ भी ना कहें तो वो बराबर है। तो और इसकी जो क्लास ऑफ कंपाउंड है, क्लास कौन सी होती है, ये अल्केन फैमिली होती है। ओके, जिनमें कार्बन के तमाम सिंगल बॉन्ड्स मौजूद हों, या हम कह सकते हैं कि सिग्मा बॉन्ड्स मौजूद हों। उसके बाद अगर हम डबल बॉन्ड्स की बात करें, तो जिसमें कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है, तो हम इसको नाम क्या देंगे कि ये क्या है, डबल बॉन्ड है, और इस फैमिली का जो नेम है वो होगा अल्कीन्स। फैमिली का नेम क्या है, अल्कीन्स। इसी तरह कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आएगा, तो हम इसे यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप का नेम है वो होगा ट्रिपल बॉन्ड, और जो क्लास का नेम होगा, क्लास का नेम होगा अल्काइन्स। ओके, और इसी तरह अगर आप लोग एक्स की बात करें, तो यहाँ पे एक्स जो होता है इसको हम कहते हैं हेलो ग्रुप। इसे हम कौन सा ग्रुप बोलते हैं, हेलो ग्रुप। और एक्स आप लोगों को पता होगा कि एक्स हेलोजन्स होते हैं, जो कि कौन कौन से हो सकते हैं, फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है और आयोडीन हो सकता है। ओके, और इसकी जो क्लास ऑफ कंपाउंड है, इसकी क्लास ऑफ कंपाउंड को हम बोलते हैं अल्काइल हेलाइड्स। क्लास ऑफ कंपाउंड क्या है, अल्काइल हेलाइड्स। अब अल्काइल ग्रुप कौन सा होता है, अल्काइल ग्रुप होता है आर ग्रुप, और हेलोजन्स का होता है एक्स। यानी ओवरऑल अगर हम देखें तो अल्काइल हेलाइड्स जो है इनका फॉर्मूला क्या बनेगा, आर बॉन्ड एक्स। ओके, और इसी तरह अगर हम लोग बात करें ओ एच ग्रुप की, अब देखें यहां भी अगर आप देखें तो ये सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, और ये ट्रिपल बॉन्ड है, ये भी फंक्शनल ग्रुप्स हैं। फिर ये एक्स जो है ये सिर्फ एक एटम होता है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन या आयोडीन। तो ये हमने जो पहले कहा था एन एटम की एग्जाम्पल ये हो गई। और अब ग्रुप ऑफ एटम्स, यहाँ पे हाइड्रोक्सल ग्रुप दो एटम्स है, तो ये ग्रुप ऑफ एटम्स। फिर डबल और ट्रिपल बॉन्ड, ये तमाम क्या है, फंक्शनल ग्रुप्स हैं, जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज इम्पार्ट करते हैं। ओके, तो ये हाइड्रोक्सल है, तो इसके इसका नाम क्या होगा, OH का हाइड्रोक्सल ग्रुप। और इस फैमिली का जो नेम है उन्हें हम कहते हैं अल्कोहल्स। फैमिली का नेम क्या होगा, अल्कोहल्स, या फिर हम इन्हें बोलते हैं अल्कानोल। क्या बोलते हैं इसे हम, अल्कानोल। जैसा कि आपके पास होता है अल्केन, अल्केन के एंड से ए एन ई को हटा दे, ये देखें ये अल्केन है ना, अल्केन के एंड से ए एन ई को हटा के अगर इसकी जगह पे हम ओ एल लगा दें और ए एन ई को हटा दें, तो इसे हम बोलेंगे अल्कानोल। क्या बोलेंगे इसे हम, अल्कानोल, और ये अल्कोहल्स की फैमिली है। ठीक है, उसके बाद अगर सेंटर में एक ऑक्सीजन एटम हो और साइड पे कोई भी आर ग्रुप, अल्काइल ग्रुप्स यहाँ हो सकते हैं या फिनाइल ग्रुप्स हो सकते हैं, कोई भी अल्काइल ग्रुप्स आ जाए और सेंटर में उनके ऑक्सीजन एटम मौजूद हो, तो इसको हम बोलते हैं ईथर। इन्हें हम क्या बोलते हैं, ईथर लिंकेज कहते हैं। लिंकेज भी हम बॉन्ड को ही कहते हैं, और इस फैमिली का नाम क्या हो जाएगा, ईथर फैमिली हो जाएगी। ठीक है, क्लास ऑफ कंपाउंड। फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करें इस ग्रुप की, सी डबल बॉन्ड ओ, तो ये वाला जो ग्रुप है इसे हम बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप। इसे हम क्या बोलते हैं, कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं। कार्बन की दो वैलेंसी सेटिस्फाइड होती है ऑक्सीजन के साथ और दो वैलेंसी दूसरे एटम्स के साथ, तो इस ग्रुप को सिर्फ हम क्या बोलते हैं, कार्बोनिल। और अगर कार्बोनिल ग्रुप के एक साइड पे कोई आर ग्रुप लगता है और एक साइड पे हाइड्रोजन लगा हो, अब ये आर जो है ये कोई भी हो सकता है, आप मेंशन ना भी करेंगे, अल्काइल भी हो सकता है, ये फिनाइल भी हो सकता है, ये एराइल भी हो सकता है। ये ग्रुप्स क्या है, ये आप नेक्स्ट 9th चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, अल्काइल फिनाइल और एराइल ग्रुप्स क्या होते हैं। तो अगर इस कार्बोनिल ग्रुप के एक साइड पे हाइड्रोजन मौजूद हो, तो इस ग्रुप का नेम बन जाता है फॉर्माइल ग्रुप। इस ग्रुप को हम क्या नाम देते हैं, फिर फॉर्माइल ग्रुप। और इसके क्लास ऑफ कंपाउंड क्या बन जाती है, क्लास ऑफ कंपाउंड बन जाती है एल्डिहाइड्स। क्या बन जाती है, क्लास ऑफ कंपाउंड्स एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड्स हम इसे कह सकते हैं, या हम इसे कह सकते हैं अल्कानल। क्या बोल सकते हैं, अल्कानल। जैसा कि अल्कोहल के लिए हम ए एल ई एल के एन के एंड से हटा के ओ एल लगा देते हैं ना, इसी तरह अगर हम लोग एल्डिहाइड्स की बात करेंगे, तो फिर हम ए एन ई को हटा के इसकी जगह पे लगा देते हैं अल, ए एल, तो वो बन जाता है अल्कानल। ठीक है, बात समझ आ गई है, ये हो गए हैं एल्डिहाइड्स। अब हम इनकी एग्जांपल्स देखते हैं, उसके बाद हम बाकी फंक्शन ग्रुप देखेंगे।
तो अल्केन का, जैसे कि आप लोगों को पहले ही पता है, अल्केन का जो पहला मेंबर होता है वो कौन सा मेंबर होता है? मिथेन, ठीक है, मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये अल्केन की एग्जाम्पल है। फिर उसके बाद डबल बॉन्ड वाले में अगर आप देखें तो डबल बॉन्ड वाले में अल्कीन्स का पहला मेंबर कौन सा होता है? इथीन होता है। और अल्काइन का अगर हम पहला मेंबर देखें तो वो होता है एसिटिलीन, ठीक है, या आप उसे कहते हैं इथाइन कह देते हैं। तो ये एग्जाम्पल है इसकी। फिर अल्काइल हैलाइड्स की अगर हम बात करें तो अल्काइल ग्रुप एक कार्बन वाला भी हो सकता है, दो वाला भी हो सकता है, तीन वाला भी हो सकता है, चार वाला भी हो सकता है, एंड सो ऑन। तो अगर हम लोग एक कार्बन वाला अल्काइल ग्रुप लगाते हैं CH3, अब अल्काइल ग्रुप कैसे बनते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, कैसे बनते हैं अल्काइल ग्रुप। अगर हम अल्केन्स के एंड में से हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन को निकाल दें, ठीक है, एंड में से नहीं बल्कि पूरे ओवरऑल अल्केन में से, इसमें से प्राइमरी अल्काइल ग्रुप भी बनते हैं, अल्काइल रेडिकल सेकेंडरी अल्काइल भी बनते हैं, टर्शियरी अल्काइल भी बनते हैं। तो अगर हम लोग अल्केन में से एक हाइड्रोजन को हटा दें तो फिर हम उसे कहते हैं अल्काइल ग्रुप बन जाता है, ठीक है, अल्केन से वो अल्काइल बन जाता है। और अल्केन के एंड से ए एंड ई को हटा के हम लगा देते हैं बाय और एल। तो अब यहाँ पे मैंने CH3 ग्रुप लगाया है, जैसे कि ये क्या होता है CH4 मिथेन, तो हाइड्रोजन को हटा देंगे तो मिथेन से क्या बन जाएगा? मिथाइल। और यहाँ पे मैं लगा देती हूँ हाइड्रोजन क्लोरीन, तो मैं इसे बोलूंगी मिथाइल क्लोराइड। क्या बोलूंगी इसे मैं? मिथाइल क्लोराइड। फिर अल्कोहल्स की अगर हम बात करें तो अल्कोहल्स में भी यहाँ पे कोई आर ग्रुप मौजूद हो सकता है। आर ग्रुप मैं यहाँ पे ले लेती हूँ दो कार्बन वाला C2H5। दो कार्बन वाले को हम अल्केन को क्या बोलते हैं? इथेन। और उसमें से अगर हाइड्रोजन हटा दे तो वो इथाइल। और इसके साथ अगर मैं हाइड्रोक्सल ग्रुप लगा दूं तो मैं इसे कहूंगी इथाइल अल्कोहल। क्या बोलूंगी इसे मैं? इथाइल अल्कोहल। और उसके बाद इथर लिंकेज की अगर हम बात करें तो इसे मैं यहाँ पे दो अल्काइल ग्रुप लगा देती हूँ, जैसा कि मैं यहाँ पे भी CH3 लगा देती हूँ, सेंटर में ऑक्सीजन है, और इधर भी CH3। तो दो मिथाइल ग्रुप लगे हैं, तो दो के लिए हम इस्तेमाल करेंगे डाई, तीन के लिए हम वर्ड यूज करते हैं ट्राई, ये प्रीफिक्सेस लगते हैं, ठीक है। तो मैं इसे क्या नाम दूंगी? डाइमिथाइल ईथर का नाम दूंगी। फिर इसके बाद फॉर्माइल ग्रुप पे आ जाएं। फॉर्माइल ग्रुप में मैंने कहा था कि यहाँ पे कोई भी आर ग्रुप मौजूद हो सकता है, कार्बोनिल ग्रुप और साथ हाइड्रोजन का होना लाजमी है, यानी फॉर्माइल ग्रुप की प्रेजेंस लाजमी है, उसके बाद कोई अल्काइल ग्रुप हो सकता है। तो वो अल्काइल अगर मैं लगा देती हूँ CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H, तो इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे एसिटाल्डिहाइड। क्या बोलेंगे इसे हम? एसिटाल्डिहाइड बोलेंगे, ठीक है, या हम इसे कहेंगे एथानल, अल्कानल भी हम इसे बोलते हैं ना। तो अब दो कार्बन वाला जो होता है वो इथेन आता है ना, दो कार्बन वाले के साथ हम एथ लगाते हैं, तो अब यहाँ पे दो कार्बन वाला एथ और कार्बन जो ग्रुप है वो फॉर्माइल ग्रुप मौजूद है ना, और एल्डिहाइड्स का फंक्शन ग्रुप है, तो फिर हम इसे बोलेंगे एथानल। क्या बोलेंगे इसे हम? एथानल बोलेंगे। आगे समय, अब हम नेक्स्ट फंक्शन ग्रुप को स्टडी करते हैं। जी तो अब हम नेक्स्ट को स्टडी करते हैं, हम थे कार्बोनिल ग्रुप पे। ये आपके पास होता है कार्बोनिल ग्रुप, और कार्बोनिल ग्रुप के एक साइड पे अगर हम हाइड्रोजन लगाएं तो उसे हम फॉर्माइल ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। और अगर हम लोग इसके दोनों साइडों पे अगर हम अल्काइल ग्रुप ही रखें, अगर हम दोनों साइडों पे क्या रखें? इसे अल्काइल ग्रुप ही रखें, और सिंपली अगर आप इसको भी छोड़ दें, हाइड्रोजन आप ना लगाएं, सिंपल कार्बोनिल ग्रुप रखें, तो हम इसको नाम देते हैं कार्बोनिल ग्रुप का। और इसके साथ जो क्लास ऑफ कंपाउंड आती है, यहाँ भी अल्काइल ग्रुप्स हो सकते हैं, फिनाइल हो सकते हैं, एराइल हो सकते हैं, तो फिर हम इसको जो नाम देते हैं, इन्हें हम नाम देते हैं कीटोन्स का। क्या नाम देते हैं इन्हें हम? कीटोन्स का। या फिर हम इनको नाम देते हैं अल्कानोन्स का। किसका नेम देते हैं? या फिर हम अल्कानोन्स का। अब ये हम अल्कानोन्स का नाम कैसे देते हैं कि आपके पास अल्केन्स है और अल्केन्स के लास्ट से आप ए एन ई को हटा दें, ए एन ई निकाल दें और उसकी जगह पे आप वन ऐड कर दें, तो फिर हम इसे नाम देंगे ई एस को, ई को हटा दें, बस ए एन ई को नहीं हटाना, सिर्फ ई को हटाएं और ई की जगह पे वन लगा दें, तो फिर हम इसे नाम देंगे अल्कानोन का, ठीक है। आगे समझ। इसी तरह अगर आपके पास कार्बोनिल ग्रुप है और आप उसके एक साइड पे हाइड्रोक्सल ग्रुप लगा देते हैं, जो कि अल्कोहल्स का फंक्शनल ग्रुप है, आप हाइड्रोक्सल ग्रुप लगाते हैं और दूसरी साइड पे आर जो है वो कोई भी ग्रुप हो सकता है, अल्काइल, फिनाइल और एराइल। तो ये जो हाइड्रोक्सल ग्रुप और साथ ये कार्बोनिल ग्रुप है,
इस ग्रुप को हम नाम देते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप का। किसका नाम देते हैं इसे हम नाम देते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप का। और इससे जो क्लास ऑफ कंपाउंड सामने आती है उन्हें हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स। उसे हम क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड्स कहते हैं, या हम उन्हें कहते हैं अल्कानोइक एसिड। क्या हम उन्हें बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड्स, या फिर हम उन्हें कहते हैं अल्कानोइक एसिड। अब अल्कानोइक कैसे आता है, इसके नोमेनक्लेचर आप कैसे हासिल करते हैं? आपके पास कोई भी अल्केन मौजूद है, उस अल्केन के एंड से आप ई को हटा दें और उसकी जगह पे आप लगा दें क्विक एसिड। क्या लगा दें एंड पे? ई को हटा के क्विक एसिड लगा दें, तो फिर ये बन जाएगा अल्कानोइक एसिड। क्या बन जाएगा यहां से? अल्कानोइक एसिड या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, और इसी तरह अगर आपके पास ये कार्बोनिल का कार्बोक्सिलिक ग्रुप ही था, लेकिन कार्बोक्सिलिक ग्रुप के एंड से आप हाइड्रोक्सिल को हटा देते हैं और उसकी जगह पे आप NH2 ग्रुप लगा देते हैं, तो ये बन जाते हैं एसिड अमाइड। ये क्या बन जाते हैं? एसिड अमाइड ग्रुप बन जाते हैं, और इन्हें हम नाम भी एसिड अमाइड का ही देते हैं। ठीक है, आगे ये समझ। अगर हम लोग कार्बोक्सिलिक ग्रुप के एंड से हाइड्रोक्सिल को हटा के NH2 ग्रुप को लगा दे, और NH2 ग्रुप जो है इसे हम बोलते हैं, NH2 ग्रुप भी एक क्लास है, और इन्हें हम कहते हैं अमीनो एसिड्स। इन्हें हम क्या बोलते हैं? अमीनो ग्रुप कहते हैं। NH2 ग्रुप जो है ये अमीनो ग्रुप है, और जो क्लास ऑफ कंपाउंड है उन्हें हम अमीनो ग्रुप के अमीनो क्लास कह देते हैं। ठीक है, या अमीनो फैमिली कह देते हैं, या हम सिंपली इनको अमाइंस कह देते हैं। क्या कह देते हैं इन्हें हम? अमाइंस कह देते हैं, या अमीन्स भी हम इसे कह सकते हैं। दोनों प्रोनाउंस कर लिए जाते हैं। ज्यादातर हम इसे अमीनो ग्रुप कहते हैं और इसकी क्लास को अमीन्स कहते हैं। ओके, तो अगर हम अमाइनो ग्रुप या अमीनो ग्रुप लगा देते हैं तो इसे हम एसिड अमाइड बोलेंगे, और अगर हम इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप को हटाएं और हाइड्रोक्सिल ग्रुप को हटा के वहां पे हेलो ग्रुप लगा दें, जो कि हमने पहले डिस्कस किया है, हैलोजन्स होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, तो ये हेलो ग्रुप लगा देंगे तो इसे हम बोलेंगे एसिड हेलाइड। इसे हम क्या बोलेंगे? एसिड हेलाइड। और क्लास का नाम भी जो है वो भी क्या होगा? एसिड हेलाइड। बात समझ आ रही है? चले अब हम इनकी एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। कार्बोनिल ग्रुप है, कीटोन्स है। मैं ऐसा करती हूँ, मैं दोनों साइडों पे CH3 बॉन्ड, 3 डबल बॉन्ड, और यहाँ पे भी मैं CH3 लगा देती हूँ। ठीक है, अब जो 3 कार्बन वाला अल्केन होता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रोपेन। और 3 कार्बन वाला अगर कार्बोक्सिलिक एसिड लिया जाए तो हमने क्या करना है? प्रोपेन के एंड से ई को हटाना है और उसकी जगह पे लगा देना है क्विक एसिड, तो हम इसको नाम क्या देंगे फिर? प्रोपानोइक एसिड। क्या हम नाम देंगे? प्रोपानोइक एसिड। के 3 कार्बन वाला प्रोपेन होता है, प्रोपेन के एंड से ई को हटा के क्विक एसिड लगा देंगे तो ये बन जाएगा प्रोपानोइक एसिड। ओके, और उसके बाद आपके पास आते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। सॉरी, हमने डिस्कस की थी एग्जांपल प्रोपानोन की, तो हमने कीटोन की एग्जांपल डिस्कस किया ना, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? ई को हटा के ONE लगा देते हैं, तो इसे हम कहेंगे प्रोपानोन। ओके, और अब हम डिस्कस कर लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स की, तो C डबल बॉन्ड, O बॉन्ड, OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप रहेगा। अब 2 कार्बन वाले को हम क्या बोलते हैं? इथेन कहते हैं, और कार्बोक्सिलिक एसिड अगर है तो इथेन के एंड से ई को हटा के हमने क्या लगा देना है? क्विक एसिड लगा देना है, तो इसे फिर हम क्या बोलेंगे? एथानोइक एसिड। इथेन से क्या बोलेंगे? एथानोइक एसिड। उसके बाद आ जाए आप लोग एसिड अमाइड्स पे। एसिड अमाइड्स में अगर आप लोग यहाँ पे फिर अल्काइल ग्रुप लगा सकते हैं, CH3 बॉन्ड, C डबल बॉन्ड, O बॉन्ड, NH2, तो इसे हम क्या बोलेंगे? इथेन अमाइड। क्या बोलेंगे इसे हम? इथेन अमाइड बोल देंगे। ठीक है, उसके बाद अगर आप लोग यहाँ पे एसिड हेलाइड्स की बात करें, और एसिड हेलाइड्स में आप लोग लगा दें CH3 बॉन्ड, C डबल बॉन्ड, O बॉन्ड, Cl, तो एसिड हेलाइड से ये क्या बन जाएगा? इसे हम क्या बोलेंगे? एथानोइल क्लोराइड। इसे हम क्या बोलेंगे? एथानोइल क्लोराइड। अल्कानोइल हेलाइड भी इन्हें बोलते हैं, और इन्हें हम अल्केन हेलाइड्स का भी नाम दे सकते हैं, एसिड हेलाइड्स भी इन्हें कहते हैं, तो इसे हम कह देंगे अल्कानोइल क्लोराइड। ओके, उसके बाद हम अमीन्स में एग्जाम्पल देख लेते हैं। अमीन्स में अगर मैं यहाँ पे CH3 लगाऊं और यहाँ पे NH2 लगा दूं, तो मैं इसे बोलूंगी मिथाइल
अमीन, क्या बोलूंगी इसमें, मिथाइल अमीन, दो कार्बन वाला लगाऊंगी तो ये क्या बन जाएगा, इथाइल अमीन। अब कुछ और थोड़े से दो तीन ग्रुप्स रह गए हैं, वो दो तीन ग्रुप चले हम यहीं पे लिख लेते हैं। वो ग्रुप है अगर आपके पास हो, जिस तरह अगर आपके पास OH हो तो आप उसे क्या बोलते हैं, अल्कोहल हाइड्रोक्सल ग्रुप बोलते हैं, और अगर सल्फर आ जाए तो फिर हम उसको नाम देते हैं मारकैप्टो, फिर वो कौन सा ग्रुप बन जाता है, हाइड्रोक्सल की बजाय वो क्या हो जाता है, मारकैप्टो ग्रुप। और जो उसकी क्लास का नेम बनता है और उसकी कंपाउंड जो फैमिली का नेम बनता है उसे हम बोलते हैं थायोल, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, थायोल बोलते हैं, या थायो अल्कोहल कह देते हैं उसे हम। जैसा कि अगर मैं यहाँ पे लिखूं CH3 बॉन्ड एसिड, तो ये मिथाइल अल्कोहल बनता होता है ना, अगर मैं OH लगाऊं S की जगह पे, तो अगर मैं SH लगा देती हूँ तो मैं इसे कहूंगी मिथाइल मारकैप्टो या मिथाइल थायोल। ओके, आगे समझ। और उसके बाद कौन सा ग्रुप है, उसके बाद आपके पास एक ग्रुप आता है जिसे हम कहते हैं अमाइंस, ये क्या होते हैं, अमीन, NH2 वाला जो है ये अमीन है। और अगर हम ऐसा करें कि कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन, यानी कार्बन का जो डबल बॉन्ड है वो नाइट्रोजन के साथ हो और साथ एक हाइड्रोजन हो, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है ना, तो हमने यहाँ पे 3 वैलेंसी पूरी करनी है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन वाला अगर ग्रुप आ जाए तो फिर हम इसे बोलते हैं अमाइनो ग्रुप, इसे हम क्या बोलते हैं, अमाइनो ग्रुप कहते हैं। और क्लास ऑफ कंपाउंड क्या हो जाती है, अमाइंस हो जाती है, ठीक है, अमाइंस भी कह सकते हैं, अमाइंस भी आप कह सकते हैं। तो इसी तरह से अगर हम यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन ही रखें तो फिर हम इसे क्या बोल देंगे, मिथाइल अमीन्स बोल देंगे, ठीक है, मिथाइल अमीन कह देंगे हम इसे। और इसके अलावा जो है अगर कार्बन का नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड हो तो फिर हम इसे कहते हैं अमीन्स, और अगर कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड हो जाए नाइट्रोजन के साथ तो ये वाला ग्रुप हो जाता है सियानो ग्रुप। कौन सा ग्रुप बन जाता है, ये सियानो ग्रुप बन जाता है, और सियानो ग्रुप है और इसे हम लोग नाइट्राइल ग्रुप भी कह सकते हैं, और ये जो कंपाउंड का नेम होता है इन्हें हम अल्काइल साइनाइड भी कह सकते हैं, और इसी के साथ हम इनको अल्केन नाइट्राइल भी कहते हैं। क्या क्या कहते हैं इन्हें हम, अल्काइल साइनाइड भी कहते हैं या अल्केन नाइट्राइल भी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसे करती हूँ, सी बॉन्ड यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ बन जाएगा, और यहाँ पे जो एक वैलेंसी है यहाँ पे मैं CH3 लगा देती हूँ, तो मैं इसे क्या बोलूंगी, मैं इसे बोलूंगी मिथेन नाइट्राइल। क्या बोलूंगी इसे मैं, मिथेन नाइट्राइल। ओके, और इसी तरह एक और ग्रुप होता है आप लोगों ने जो पढ़ा हुआ है वो कौन सा होता है, होता है एस्टर ग्रुप। कौन सा ग्रुप होता है वो, एस्टर ग्रुप। एस्टर ग्रुप कैसे आता है, जैसे कार्बोनिल के एक साइड पे हाइड्रोजन लग जाए तो एल्डिहाइड, दोनों साइडों पे अल्काइल लग जाए तो कीटोन्स, अगर कार्बोनिल ग्रुप के एक साइड पे हाइड्रोक्सिल लग जाए तो कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसी तरह कार्बोनिल ग्रुप की अगर एक साइड पे हम ओ आर ग्रुप लगा दें, कौन सा ग्रुप लगा दें, ओ आर ग्रुप, ओ आर ग्रुप को हम एल्कोक्सी ग्रुप कहते हैं। कौन सा ग्रुप बोलते हैं इसे, हम एल्कोक्सी ग्रुप कहते हैं कि अल्काइल ग्रुप के साथ अगर ऑक्सीजन लग जाए तो इसे हम एल्कोक्सी ग्रुप कहते हैं। तो अगर हम इसके साथ ओ आर लगा दें, यहाँ पे कोई भी आर मौजूद हो तो फिर हम इसे नाम देते हैं एस्टर का, ठीक है, इन्हें हम क्या नाम देते हैं, एस्टर्स का नेम देते हैं। बात समझ आ गई है, तो ये थे आपके फंक्शनल ग्रुप के बारे में इंफॉर्मेशन, ये फंक्शनल ग्रुप्स आपको याद होने चाहिए, ये मोस्टली ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है बोर्ड में के फंक्शनल ग्रुप को डिफाइन करें, और इन इन इस क्लास के जो है फंक्शनल ग्रुप्स उनके जनरल फॉर्मूलाज लिखें, ठीक है, तो या फिर क्लास ऑफ कंपाउंड का पूछा जा सकता है, मैं ऐसे भी किया जा सकता है कि आपको नया फॉर्मूला दे दिया जाए, कहा जाए कि इनके नेम्स लिखें कि क्लास ऑफ कंपाउंड क्या होगा, तो और साथ एग्जांपल्स दे दें, ये भी हो सकता है, या फिर आपको क्लास ऑफ कंपाउंड्स दी जा सकती है, यानी नेम दिया जा सकता है क्लास का, और कहा जा सकता है कि इसके जनरल फॉर्मूलाज को मेंशन करें, ठीक है। तो ये था फंक्शनल ग्रुप के बारे में, मीन था आप लोगों को समझ आई होगी, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज़।